क्लास 12 के लिए वन क्लास रिवीजन में सीरीज में हम आपको यूनिट नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्लास का जल्दी में टेक्निक बता रहे हैं। आप उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कैसे कर पाएंगे, ध्यान से रिवीजन करें। फर्स्ट एक वर्ड आएगा एंटी पायरेटिक्स, बस सब में सिंबॉलिक मीनिंग ध्यान में रखना है ताकि आप लिख सकें। वह केमिकल सब्सटेंस जो फीवर को कंट्रोल करता, बुखार को नियंत्रित करता, कम करता, उसको हम लोग नाम देंगे एंटी पायरेटिक। और इसके एग्जाम्पल हो गए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। फिर एक वर्ड आ गया एनाल्जेसिक, जितनी भी दर्द निवारक दवाएं हैं जिनका हम उपयोग करके पिन को हटाते हैं उसे हम लोग नाम देते एनाल्जेसिक। दो प्रकार के होते, एक नारकोटिक्स और एक नॉन नारकोटिक्स। जो अफीम से बनने वाले पेन किलर हैं, एनाल्जेसिक हैं, उन्हें हम लोग नारकोटिक्स कहते। और जो अफीम से नहीं, सिंथेटिकली लैब में बनाए जाते, लेबोरेटरी में बनाए जाते, फैक्ट्री में बनाए जाते, उसको नाम देते नॉन नारकोटिक मेडिसिंस। जैसे नारकोटिक हो गया जो ओपियम अफीम से बनाई जाती, मॉर्फिन, कोडेनिन, हीरोइन वगैरह, ये दर्द निवारक दवाएं हैं जिनका उपयोग किया जाता। और नॉन नारकोटिक्स वो हो गए जिसे हमने अभी तुरंत बताया, जो पेन किलर वो जो सिंथेटिक हैं, अफीम से नहीं बनते, उसे नाम देते नॉन नारकोटिक्स। एंटीसेप्टिक जब भी कट जाए, छिल जाए, जल जाए तो उसमें एक खतरा बना रहता है जो बाहर के जीवाणु कीटाणुओं का अंदर बॉडी में प्रवेश होगा। इनको रोकने के लिए जिस क्रीम या लोशन या पाउडर का उपयोग करते उसे हम लोग नाम देते एंटीसेप्टिक। डिटॉल, सेवलॉन, नाम याद हो गए, वेरी गुड एग्जाम्पल। 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन। एक नाम हो गया डिसइन्फेक्टेंट, ये एंटीसेप्टिक की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। इसका उपयोग जहाँ भी फर्श पर या जिन जगहों पर कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया का प्रवेश होता, रोकथाम करने के लिए हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते उसे नाम देते डिसइन्फेक्टेंट। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त कर देता है। इन वेरी वेरी एग्जाम्पल 1% फिनॉल का सॉल्यूशन डिसइन्फेक्टेंट है और 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक है, जरूर याद रखिएगा। ये उसकी तुलना में पावरफुल होता। इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट स्किन पर, त्वचा पर नहीं करते हैं। एंटी मलेरिया, मलेरिया के रोकथाम करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता उस मेडिसिन को हम लोग नाम देते एंटी मलेरियल ड्रग। इसके एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन, पैराक्वीन, ये फैमिली जो क्विनोन वाली, क्वीन वाली फैमिली है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती। ट्रैंक्विलाइजर, तो जब कभी भी बहुत टेंशन में, बहुत हाइपर है और बहुत उग्र है और उसको ट्रैंक्विलाइज हम लोग करते, एक ऐसी दवा का उपयोग करते जिससे उसकी उग्रता कम हो जाती, उसका टेंशन, उसका स्ट्रेस कम हो जाता, ये कहलाता ट्रैंक्विलाइजर। बारबिट्रिक एसिड, वर्नेनल, बहुत सारे कंपाउंड हैं, ये सब इस फैमिली में शामिल किए जाते। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बना गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ वो चीज़ जो बैक्टीरिया को रोकता है, किल करता, रोकथाम करता है, उसे हम लोग नाम देते एंटीबायोटिक्स। जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ढेर सारे फैमिली है जिनका उपयोग किया जाता। अगर वो एंटीबायोटिक्स जो ढेर सारी बीमारियों में एक साथ इस्तेमाल किया जाता उसे हम लोग नाम देते ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ढेर सारे जीवाणुओं पर, बीमारियों पर इसका इस्तेमाल किया जाता। टेट्रासाइक्लिन, ओफ्लोक्सासिन, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। एनेस्थेटिक्स, बेहोश करने, ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले, जिस दवा के उपयोग के बाद पेशेंट को बेहोश किया जाता उसमें इसका उपयोग किया जाता। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, ये सारी चीज़ें एनेस्थेसिया में उपयोग की जाती हैं। एंटासिड हो गया, बॉडी में डाइजेशन के दरमियान जो एसिड बनता है स्टमक में, पेट में, उस एसिड के रोकथाम करने के लिए जो बाहर से सब्सटेंस दिया जाता जिसके कारण एसिड का जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाए बॉडी में, वो कम परेशानी करे, इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग नाम देते एंटासिड। जैसे डाइजिन हो गया एंटासिड जो इस्तेमाल होता। कुछ एंटासिड ऐसे हैं जैसे जिंटेक वगैरह जो बैन हो गए। इसके अलावा ओमीप्राजोल, लेंसाप्राजोल, ये सब फैमिली है जिसका उपयोग किया जाता है एंटासिड में। एंटी हिस्टामिन
जो एलर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता। जब भी मौसम चेंज होता तो लोगों को एलर्जी हो जाती, छींक खांसी, नाक नाक फ्लो करना, नाक बहना, ये सारी जो एलर्जिक एक्शन है उनको कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं यूज़ की जाती उसे हम लोग नाम देते हैं एंटीहिस्टामिन। जैसे एविल हो गया, सिट्रिजिन हो गया, ये फैमिली कहलाती है। प्रिजर्वेटिव, फूड केमिस्ट्री में अगर आप आए तो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, अगर हम उसे लंबे समय तक अगर हम उसको यूज़ ना करें तो वो ख़राब होने लगती है। तो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते उसे नाम देते प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक एसिड, ये दो क्लास के होते हैं। एक खुद चीनी, नमक, नींबू, ये खुद का एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा ये केमिकल हैं जिनके हम लोग प्रिजर्वेटिव से मतलब वह पदार्थ जिसका यूज़ करने के बाद एक लंबे समय तक खाद्य पदार्थ का, फूड आइटम का टेस्ट, कलर, स्मेल, टेक्सचर खराब नहीं होता, नाम देते प्रिजर्वेटिव। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब इसका पर्पस ये होता जो अगर ज़्यादा मीठा बॉडी के हर ऑर्गेन के लिए काफ़ी डेंजरस है, ओबिसिटी, मोटापा अलग होता और डायबिटीज़ और ढेर सारी चीज़ें होती, तो उनके विकल्प के रूप में एक ऐसा चीनी इस्तेमाल किया गया जिसमें मीठापन तो है लेकिन कैलोरी बिल्कुल नगण्य है, इसे कैटेगरी में डाला गया आर्टिफिशियल शुगर। और इसके लिए सैक्रीन हो गया, एस्पर्टेम हो गया, एलिटेम हो गया, ढेर सारे विकल्प हैं। अभी स्टीविया लिप्स हो गया, ये इनके ढेर सारे विकल्प हैं। एंटीऑक्सीडेंट, तो जब कभी भी किसी फल को जैसे सेब वगैरह को हम लोग अगर छील देते हैं, उसको काट देते तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज होने लगता, ब्राउनिश होने लगता। केला भी, ढेर सारे फल को या सब्जियों को जैसे ही आप काटेंगे तो ऑटोमेटिक है उसमें फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटा तो ऑटोमेटिक है धीरे धीरे उसका सड़ना गलना चालू हो जाएगा। उसके रोकथाम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता उसे हम लोग नाम देते एंटीऑक्सीडेंट। जैसे BHT, BHA, ब्यूटाइलेटेड पैराहाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड पैराहाइड्रोक्सी टॉलविन, तो ये ढेर सारे कंपाउंड है। BHT, BHA, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट वाले सेक्शन में, व्हाट डू यू मीन बाय सोप, याद रखिएगा सोप इज ए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, उसे हम लोग नाम देंगे सोप। सोप बायोडिग्रेडेबल होता, सोप को आप एसिडिक मीडियम और हार्ड वाटर में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, झागनी बनेगा, प्लस ये इसके कार्बन चेन बायोसिस्टम में डिग्रेड हो जाते, मतलब ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम डिटर्जेंट में आए तो याद कीजिए ये सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट हो गए, एरोमेटिक के भी सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट हो गए। डिटर्जेंट दो तीन प्रकार के हो गए, केटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल डिटर्जेंट हो गए। तो डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन सोप की तुलना में अधिक होता, डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होता। डिटर्जेंट को आप हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते, एसिडिक वाटर में भी यूज़ कर सकते, इनका क्लीनिंग एक्शन सोप की तुलना में अधिक होता। तो एक प्रश्न मिलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ पर इनके पॉइंट्स आप शामिल कर लेंगे। आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।